आज ताजपुर माफी में यूपी ग्रामीण बैंक के बाहर लोगों ने खाते में से लाखों रुपए की चोरी होने के संबंध में बैंक के बाहर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बैंक सर्किल ऑफिसर ने जांच का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के ताजपुर माफी गांव में स्थित यूपी प्रथमा बैंक के बाहर गुरुवार दोपहर को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बैंक के ग्राहकों द्वारा बैंक के ऊपर उनके अकाउंट से लाखों रुपए चोरी होने का आरोप लगाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बैंक के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बैंक के खिलाफ विरोधी नारे लगाए। वहीं बैंक के बाहर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया था। पुलिस की मौजूदगी में बैंक सर्किल ऑफिसर ने ग्रामीणों को उनके खाते से गायब हुए पैसों के बारे में जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा करना बंद किया और जल्द से जल्द अपने पैसों की वापसी की मांग की। वहीं बैंक सर्किल ऑफिसर सत्येंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक मित्र द्वारा कुछ लोगों ने अकाउंट में लेन देन किया था, जिसके चलते गड़बड़ी का पता चला है। उन्होंने बताया कि बैंक मित्र के अकाउंट आईडी को बंद कर दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का पता चल जाएगा। कितने पैसे थे तुम्हारे? 5 जमा करे थे। 5 जमा करे थे पैसे आपने? इसी बैंक में जमा हुए थे? तो 5 पैसे क्या हुआ, क्या मामला है पूरा बताइए। क्या नाम है उसका? अजय प्रताप जी। जी अजय प्रताप, क्या चाहते हैं आप सब इस समय? क्या मामला है, क्यों आए सब आप यहाँ पे? कहाँ देते हैं आप? बीजने में। अच्छा, तो कितने पैसे थे आपने? हमारे 4 खाते और 4 खातों में 90,000 रुपए। कौन सी ब्रांच में जमा कर देते? इसी ब्रांच में जमा कर देते। क्या हुआ, कहाँ पैसे आपने? 0 खाते की बैंक खुली गई है जी। 60 का बैंक खुली है, जगह जगह जो मोदी जी ने जो खुलवाई थी जी जी, उसमें लेन देन हो गया था। अच्छा, 7.5 साल हो गए उसमें लेन देन होते हुए। अब ये साहब 4 खाते हमारे, 3 खाते 0 खाते खुले हुए, ये पहले ही खुलवाया 20 साल हो गए। उसमें साहब मेरे खाते में 34,000 रुपए, एक लौंडिया के खाते में 40,000 रुपए, एक लौंडिया के खाते में 10,000 रुपए, एक के में 6,000 रुपए। अब वो साहब सब 0 हो गए जी। एक्चुअली क्या, हम लोगों का एक प्राइवेट कंपनी है ताती टेक्नोलॉजी, और उसका हम लोग प्रथमा बैंक के वेंडर हैं। अच्छा, पर यहाँ पे इन लोग 40 लाख से 55 लाख तक का घोटाला बता रहे हैं, पूरा क्या मामला? नहीं सर, ये एक बैंक मित्र, इन्होंने बैंक मित्र के द्वारा कुछ किया हुआ एंट्रीज हैं, लेन देन हैं, तो उसकी वो जांच चल रही है। उसमें शिकायतें लोगों की आई हुई हैं, उन शिकायतों को इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच होगी तब पता लगेगा एक्चुअल अमाउंट है क्या है। अच्छा, एक महीने पहले भी लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, जब से अब तक कार्रवाई नहीं की? नहीं, हम लोगों के नॉलेज में अभी 14 को आया था, इसी 14 को एक कंप्लेंट हम लोगों के पास आई थी, तब हमने उस पर एक्शन लिया था। और इसका लास्ट 29 नवंबर से इसका डिवाइस भी बंद कर दिया गया था। तो आपकी नज़र में कितना घोटाला है? इसमें अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जब तक उसकी जो भी कंप्लेंटें आई हैं उनको टैली किया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी, उसका कितना अमाउंट बन रहा है तभी उसको चलेगा, क्योंकि उसमें जांच चली जा रही है अभी।